नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह की स्कीम्स लेकर आती हैं और उसमें तरह तरह के सुरक्षा कवच देती हैं। पहले तो बड़ी से बड़ी बीमारी पर सुरक्षा कवच दिया जाता था, लेकिन अब बड़ी कंपनियां मौसमी बीमारियों पर भी आकर्षक तरीके से बीमा दे रही हैं। इसी कड़ी में एयरटेल पेमेंट्स बैंक और HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी साथ मिलकर मच्छरों से होने वाली बीमारी पर सुरक्षा कवच यानी कि प्रोटेक्शन पॉलिसी लेकर आई हैं। इस हेल्थ पॉलिसी के तहत एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को सालाना 99 रुपए में मच्छरों के काटने से होने वाली 7 खतरनाक बीमारी जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, काला जाल, फाइलेरियासिस और जीका वायरस से सुरक्षा कवर मिलेगा। इन बीमारियों की गंभीरता को समझते हुए कंपनी ने यह पॉलिसी जनता के लिए लॉन्च की है। यहां पर एक बात बता दें कि दुनिया भर में जितने भी संक्रामक रोग हैं, उनमें से 17% सिर्फ मच्छर के काटने से होते हैं। WHO के आंकड़ों की माने तो साल 2015 में मलेरिया से दुनिया भर में 4,38,000 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सिर्फ भारत में 2015 में डेंगू के 99,913 केस दर्ज हुए। डेंगू, मलेरिया के अलावा मच्छर के काटने से चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, काला आजार, फाइलेरियासिस और जीका वायरस जैसी खतरनाक बीमारियां भी होती हैं। मॉस्क्यूटो डिसीज प्रोटेक्शन पॉलिसी HDFC ERGO के वॉलेट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है। इसके तहत मच्छरों से होने वाली 7 खतरनाक बीमारियों के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के कस्टमर्स को 99 रुपए में इंश्योरेंस कवर दिया गया है। हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई शख्स 24 घंटे से कम समय के लिए भी हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसका भी खर्च इस पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे मजदूर हैं जो रोज काम करते हैं, अगर वो बीमारी के चलते एक दिन पर काम पर ना जाएं तो उनके पैसे काट लिए जाते हैं। कंपनी ऐसे ही लोगों के लिए सुरक्षा प्लान लेकर आई है। आप और हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सुविधा के नाम पर कितना पैसा लेते हैं। ऐसे में अगर आपके पास हेल्थ पॉलिसी है तो फिर क्या ही कहना, और इस पॉलिसी से ज्यादातर गरीब लोगों को क्या ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल भी उभरने वाले हैं, वो ये कि कंपनी के दावे और मजदूरों की सुविधा में वाकई अंतर आता है या ये भी एक तरह से सरकारी सफेद हाथी साबित होगा, आने वाले समय में देखने को मिलेगा।